राइम नहीं हुआ और मेरे से होगा भी नहीं। राइम तो नहीं गाइस पर हम रोस्ट बढ़िया कर लेते हैं। आपके कमेंट से पता लगा दीदी आप वीडियो मस्त बनाती हैं पर लाइक करने का मन नहीं होता। अबे साले अबे शर्म है कुछ नहीं। तो गाइस आप सारे 20 लाख लोगों का तहे दिल से धन्यवाद कि आप हमको देखते हैं। वैसे तो हमें देखने वाले 40% ऑडियंस ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, कर लेंगे तो मजा आ जाए, है ना। और अगर किसी भी वजह से आपने हमको सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कोई बात नहीं, आने वाले समय में हम आपको खुश कर ही लेंगे वीडियो से। तो कुछ नहीं समझ रहा था। बाकी सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो घंटा आ रहा है उसको जरूर दबाएं ताकि आपको जब भी मैं वीडियो डालूं पता लग जाए। और आइए खुदाई शुरू की जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। Let me tell you just one thing. I am not 12. Yes, she is not 12. भूल चुक माफ महाराज, हमने भी आपको बताया कि 12 साल की है ये, but she is not 12. She is 40. और ये हमें इनका जन्मदिन वाला एक व्लॉग देख के पता चला जो कि 2021 फरवरी में डाला गया था। जल्दी जल्दी जो एज लिखा हुआ है उसको काट देते हैं, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ए, ए, सब खाओ रे, ये केक पलक झपकते खत्म होना चाहिए। रे रिवा मुंह खोल, तोर बर्थडे है ना देखो, और 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 जब खाया ना जाए तो मुंह पे पोत दो इसके। है नहीं नहीं मुंह पे नहीं, मेकअप खराब हो जाएगा हमारे एटीएम का बेटी का। तो ए लो नाक पे थोड़ा सा। हाँ पूछ लो पूछ लो, ये भी पूछ लो। तो गाइस मिली स्टोरी की मेन कैरेक्टर से जो कि है रीवा की मम्मी। सो गाइस अब हम कार में वापस आ चुके हैं, देखो कितनी बिजी है मम्मा। हाँ तो काम तो आप करोगे ना। यस मम्मा। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि जिनके खुद के ख्वाब पूरे नहीं होते हैं वो दूसरों के ख्वाब पूरे करने में मदद करते हैं, लेकिन यहाँ बड़े बुजुर्ग तो दूसरों के नाम पे अपना ही नाम बनाना चाह रहे हैं। क्यों मैंने होता है बिटिया को, और आंसर देती है इनकी मम्मी। गाइस मैं बताऊंगी, मैं कभी भी फिक्रा नहीं करती हूँ। आगे बोलो। हाँ आप बोलो आप बोलो। रीवा चुप, तू अपना क्यों इन्हें समझ रही है क्या रे? चुपचाप बैठो बस कैमरा के सामने, ठीक है बोलो चाची। इसका आंसर है कि रीवा सच में रोती है, एंड रियल टीयर्स। रियल टीयर्स एकदम मगरमच्छ माफी जो कि क्षण भर में बह जाते हैं और दूसरे ही क्षण हंसा देते हैं। लेकिन आप अपना ब्लॉग शूट कर लो, मैं साइड में लेट जाती हूं। नहीं ब्लॉग और बेटी के काम का इतना ही फिक्र होता तो वही साइड में लेटना जरूरी था। घर में दूसरा रूम है कि नहीं? ये क्या है? गुलाब जामुन है बेटा, खाओगी? और ये कैसी बेटी है बे? एक तो मम्मी अपना दुख दर्द बताती नहीं और जब बता दे तो बच्चा यूं डॉक्टर बन जाता है, एक मिनट में मरहम पट्टी करके फिट। और एक ये बच्ची है, इसने कैमरा ऑफ तक करने का नहीं सोचा, सारा ड्रामा रिकॉर्ड किया, रोना गाना, और उससे भी जब दिल को ठंडक नहीं मिली तो ऊपर लिखती है आई ऑलवेज क्राई व्हेन माय मॉम गेट्स हर्ट। सिंपैथी दो ना प्लीज भैया। सच बताना कि किस किस को ये सच लगा? It was prank. Turns out कि माँ ने ही बेटी को prank कर दिया है चोट लगने का और बेटी के आंसू एक सेकंड में गायब। It's magic. Acting is something that I enjoy and I'm very passionate about. So I started as a child actress. Started as a child actress? You still are a child, बच्चा। सुबह मैं 6 बजे उठती हूँ। पहले यू नो आई स्टडी एंड देन उसके बाद शूट होता है तो शूट पे जाती हूँ, एंड देन बीच में जब भी ब्रेक मिलता है जब भी आई जस्ट स्टडी बिकॉज आई एम अ टॉपर इन माई स्कूल। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं गरजते बादल बरसते नहीं है, जो मैंने आज तक एक भी टॉपर ऐसा नहीं देखा जो अपने मुंह से बोले कि मैं टॉपर हूं। साला सबके सब दोगले होते थे, उनसे पूछ दो कि तुम्हारा हो गया प्रिपरेशन, बोलेंगे नहीं यार मैं तो फेल हो रहा हूँ इस बार। और रिजल्ट आने के बाद देखने वालों का गोल गुलदस्ता बन जाता था। सबके सब चोर हैं साले। देखो ना बदमाश बच्चे बोलते हैं कि मैं सबसे बदमाश हूँ, ना टॉपर बोलता है कि मैं टॉपर हूँ, और ना लड़कियाँ बताती हैं कि उनका उम्र क्या है। ये तो धोती खोल रहा है। You know what are the kind of things that you know you read online or stuff like that? It doesn't affect me क्योंकि मैं कमेंट से नहीं पढ़ती हूँ। ले क्या फायदा फिर इतनी मच मच करने का? ये तो कमेंट से नहीं पढ़ती है। बताओ मेरे वीडियो पे कमेंट किया करो गाइस, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। चल झूठा। लव कमेंट्स होते हैं मैं सिर्फ उन्हीं को देखती हूँ, जो हेट कमेंट्स होते हैं I don't even notice them। फिर वही बात है, ये मतलब कमेंट्स देखती ही नहीं है क्योंकि तू समझा नहीं हेट कमेंट्स नोटिस नहीं करती।
करती हूँ ये बोलते वक्त चेहरे पे जो टुकड़ा छाया है ना, ये देख के ही पता चल रहा है कि कितना नोटिस नहीं करती होगी, लेकिन नहीं करती तो कोई बात नहीं, ये तो मेरी गुड हो गया जी, बहुत अच्छी वीडियो बनी है। एंड जो बेस्ट कमेंट्स होते हैं मैं उनको रिप्लाई भी करती हूँ, एंड जो यू नो हेट कमेंट्स होते हैं मैं उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देती हूँ, बिकॉज हेट तो मिलेगा ही यार, इट्स फाइन इट्स फाइन। इतिहास गवाह है गाइस, इट्स फाइन बोलने वाला कभी फाइन नहीं होता। हेट तो मिलेगा ही यार, इट्स फाइन। हेट तो मिलेगा, मम्मी हम सही से काम ही करवा रहे हैं। अधेड़ उम्र के मर्दों के साथ नाचने से लेकर छक टिकटॉकर्स के साथ नाचने तक और म्यूजिक वीडियोस में वाहियात डांस टिप्स करने तक ही सीमित नहीं है ये। अब इससे सिर्फ 2 साल पहले फैजो की गोदी में खेलती हुई बच्ची अब फैजो के हाथों दुल्हन बन रही है। Just tough as the night changes। But what's more ironical is her mom being a lawyer. 13-14 साल की लड़की को sexualize किया जा रहा है गानों में और she's cool with it क्योंकि पैसे time पे आ जाते हैं। चलो मैं 12, 13, 14, 15 इन सारे उम्र में ये सोचती थी कि टुनटुन मौसी के लड्डू कहाँ मिलेंगे, टुनटुन मौसी के बनाए हुए लड्डू कहाँ मिलेंगे। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था, ताकि मुझ में भीम जैसी शक्ति आ जाए, भीम की शक्ति धूम मचाए, सामने कोई टिक ना पाए, छोटा भीम छोटा भीम छोटा भीम छोटा भीम। छोड़ो गाइस, कोई कुछ भी करे उससे हमें क्या, हमारा तो वीडियो बन गया। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को करना लाइक, कमेंट सेक्शन में अपनी प्यारी प्यारी कमेंट्स ड्रॉप करना ना भूलना। मेरे कुछ वीडियोस यहाँ आ रहे होंगे उनको भी टैप करके जाके देखो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखें आप सब अपना।